फ्रेंड, ये हमारे सामने है वरना फ्लूडिक का बोर्ड और इसके अंदर है सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग जो है मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे कि हमने काले काले मार्क कर रखे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सब मार्क करके तो इसकी हम सॉर्टिंग निकालेंगे। तो सॉर्टिंग निकालने का तरीका दिखाते हैं, और वह भी बहुत फास्ट तरीके से। और सॉर्टिंग निकलते ही आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से सॉर्टिंग निकाली जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम जो है बीप की आवाज़ साउंड, बीप की साउंड पर करके आपको चेक करा देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से यहाँ लगा रहा हूँ, बीप आ रही है। दूसरी साइड लगा रहा हूँ तो बीप आ रही है। इधर भी लगा रहा हूँ, इधर भी लगा रहा हूँ, यानी कि शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग निकालने का सबसे आसान तरीका है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड लगाऊंगा, और ग्राउंड लगाने के बाद जो है चेक करूंगा कि ये शॉर्टिंग कहाँ पर है। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया। इधर से मैं पॉजिटिव सप्लाई जो है वो पॉजिटिव पे दूंगा ताकि मेरी शॉर्टिंग निकल सके। तो यहाँ पर हमें इसे रखना है, 3 बोल्ट है ये, तो 3 बोल्ट का अगर शॉर्टिंग निकालना है तो हमें चैनल 2 पे 3 पे, और यहाँ हम 3 बोल्ट पे रख लेते हैं। हमने 3 वोल्ट 1 एम्पियर पे हमने अपनी पावर सप्लाई को सेट कर लिया है, और यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर दिया है। तो इसका ये वाला सिरा ग्राउंड है, ग्राउंड वाला सिरा पकड़ते हैं हम किसी का भी। ये ग्राउंड है या नहीं है ये भी देखना ज़रूरी है। इधर से पॉजिटिव सप्लाई आएगी यहाँ से आइए, तो हम पॉजिटिव सप्लाई की साइड में लगाएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव की सप्लाई जो ग्राउंड है वो देखना है। तो एक हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ। उसके बाद हम इसे ऑन करेंगे। यहाँ पर ये वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, मगर अभी तक कुछ भी चीज़ गर्म नहीं हुई है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसी कुछ चीज़ गर्म होती है तो पता लग जाता है। तो यहाँ पर हम M2 पे 12 वोल्ट 1 एम्पियर 9 वोल्ट पे ऑन करते हैं। यहाँ पर कुछ होता है क्या? यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, मगर अभी भी हमें कुछ शॉर्टिंग में नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। ये आईसी हमें हल्का सा फील आ रहा है, मगर हम यहाँ पर 12 वोल्ट 5 एम्पियर पर रखते हैं तो ये ख़राब है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने इसके ऊपर लगाया और ऑन करा तो देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से सूख रहा है, धुआं भी निकल रहा होगा, आप देख रहे हैं ना।
ये रखते ही जो है गर्म हो रहा बहुत ज़्यादा, और कोई आईसी और हीट नहीं हो रही है, यही आईसी हीट हो रही है। तो फ्रेंड आपको पता लग गया होगा कि ये आईसी हमारी, आप अगर देखो मैं इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से पेट्रोल लगाया है तो वो नहीं उड़ रहा है क्योंकि मैंने बंद कर रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये मशीन 12 वोल्ट 5 एम्पियर पर है, और मैंने इसे तुरंत यहाँ पर जो है वोल्टेज ऑन करा, और ऑन करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सूख गया। ये मैंने फ्यूल लगाया और ये फिर से सूखने लगा, देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से सूख रहा है, क्योंकि फुल हीट हो रही है। और अगर मैं इसे ऐसा करके ठंडा करूं, अब बंद कर दिया है मैंने, तो ये नहीं सूखेगा। अब ये नहीं सूख रहा, और मैं जैसे ही ऑन करूंगा बहुत फास्ट, ये ऑन कर दिया है और ये देखिए आप, यह है शॉर्टिंग निकालने का तरीका। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा कि शॉर्टिंग निकालने के लिए किस तरीके से हम निकालते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीका है शॉर्टिंग निकालने का किसी भी बोर्ड की। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, हम लगे रहेंगे आपके साथ। और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके, बाय बाय, डन।